फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजी किचन। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं चिकन पैटी की। ठीक है जी, इसमें हमने, ये आप देख सकते हैं, इसमें हमने थोड़ा अनियन लिया है, थोड़ी ग्रीन चिली है, जिंजर गार्लिक है और थोड़ा सा हमने यहाँ पे चिकन कीमा लिया है। इससे हम अपने 3 से 4 चिकन पैटी बनाएंगे। ठीक है जी, चलो हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले जो हमने ग्रीन चिली ली थी, हम उसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। उसके बाद हम अनियन को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चिकन पैटी बनेगी फ्रेंड्स। आप अपने घर पे भी इसको इजीली बना सकते हैं। अभी हमारा जो चिकन कीमा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, हमारे ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक और अनियन। चलिए, अब जो मैरिनेशन है उसको शुरू करते हैं, जो मिक्सिंग है हमारी। ये सबसे पहले हमने इसमें देगी मिर्च डाल दी, उसके बाद हमने इसमें लाल मिर्च ऐड की है 1/2 चम्मच। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा धनिया पाउडर ऐड किया है, उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 चम्मच के करीब, एक ये हमारा खुद का पिसा हुआ गरम मसाला है, और ये स्वाद अनुसार हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। चलिए, अब जो हमारा मिक्सचर है हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसकी आलू पैटी तैयार करेंगे। हमने 100 से 150 ग्राम चिकन कीमा लिया था, आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चिकन पैटी बनेगी फ्रेंड्स। आप घर पे अपने बच्चों को बर्गर बना के खिला सकते हैं। अगर आपका फूड बिजनेस है तो फूड बिजनेस के लिए भी आप जो हम फ्रोजन आइटम यूज़ करते हैं, फ्रोजन आइटमों की जगह आप अगर ये वाली चिकन पैटी तैयार करेंगे तो आपका कस्टमर भी खुश होकर खाएगा। चलिए, हम इसमें थोड़ा सा अरारोट ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। 2 से 3 चम्मच के करीब हमने इसमें मैदा और अरारोट ऐड किया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आ सके। हमारे रोहित शेफ है जो आज की रेसिपी तैयार करेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट है फ्रेंड्स, इनके हाथ में कोई भी रेसिपी ये बना के देंगे हमारे को तो उसका टेस्ट 100% अच्छा ही आएगा। हमारा मिक्सचर था, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। चलिए, अब हम इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, तो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए ताकि जो क्रिस्पीनेस है वो आ सके इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाद फ्रेंड्स, अब जो हमारा मिक्सचर तैयार होने के बाद अब हम इसकी पैटी तैयार करेंगे, और थोड़े से हमने ब्रेड क्रम्स प्लेट में भी लिए और इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे ताकि जो क्रिस्पीनेस है वो बरकरार रहे, इसकी प्रॉपर हम गोल शेप में चिकन टिक्की बना देंगे। हमारी एक टिक्की बन के तैयार हो चुकी है। पहले आपने इसकी बॉल बना लेनी है। बॉल बनाने के बाद अब इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें और ये ऑटोमेटिकली टिक्की की शेप आ जाएगी। इधर हमने ऑयल को गर्म होना स्टार्ट कर दिया है, जब तक हमने इसमें रिफाइंड लिया है, जब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाता है तब तक हम अपनी आलू पैटी तैयार कर लेते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल हीट अप हो जाएगा तब हम अपने आलू पैटी को इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी दोनों चिकन पैटी तैयार हो चुकी है, और इस साइड पे हमारा ऑयल भी गर्म हो गया, अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। बस आपने ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो हमारा ऑयल है पूरा गर्म होना चाहिए और थोड़ा मीडियम फ्लेम पर रहना चाहिए, ज़्यादा हीट अप नहीं होना चाहिए ऑयल,
अदरवाइज जो हमारे ब्रेड क्रम्स हमने इस पे ऐड किए वो जल जाएंगे और जो अंदर से चिकन है वो प्रॉपर कुक नहीं होगा। जी अब हम इसको कितना टाइम के लिए पकाएंगे? 10 मिनट तक। 10 मिनट के करीब पकाएंगे। 10 मिनट में पूरी रेडी हो जाएगी ये? हाँ 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। ठीक है जी, हमारे शेफ साहब ने बोल दिया है कि 10 मिनट में रेडी हो जाएगी हमारी चिकन पैटी। ये बार बार इसको रोटेट कर रहे हैं ताकि दोनों साइड से हमारी जो चिकन पैटी है वो अच्छे से कुक हो जाए। और थोड़ा सा इन्होंने फ्लेम भी कम की है। चलिए अब इन्होंने बोला कि हमारी टिक्की को थोड़ा सा रेस्ट देंगे, हवा लगाएंगे, 2 से 4-5 मिनट के करीब हम इसको रेस्ट देंगे और उसके बाद हम इसको दोबारा से ऐड करेंगे। और जो हमारी कढ़ाई का फ्लेम है वो हमने थोड़ा सा कम कर दिया। ये हमने 2 से 3 मिनट का रेस्ट दे दिया। अब हम इसको दोबारा से ऐड करेंगे। जो मेन पर्पस होता है इसको हवा लगाने का वो ये होता है कि जैसे हाफ डन बोल सकते हैं आप, हमने इसको हाफ डन किया था ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। हमेशा आप कोई भी चिकन की आइटम को फ्राई करेंगे तो आप उसको हाफ डन करने के बाद कुछ टाइम के लिए बाहर निकाल के जरूर रखें, तभी वो अंदर तक पक पाएगी। अदरवाइज आपकी जो भी आप चिकन कुक कर रहे हो या आलू पैटी या चिकन पैटी आप कुक कर रहे हो वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। आप देख सकते हैं जो हमारी चिकन पैटी का कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अभी हम इसको 2 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे और जो हमारी चिकन पैटी है वो ऑलमोस्ट डन होने वाली है, तब हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। चलिए जो हमारा चिकन पैटी थी वो बनके तैयार हो चुकी है। ये हमारे रोहित शेफ जी ने बहुत ही अच्छी चिकन पैटी तैयार करके दी है हमारे को। देख सकते हैं आप कितना अच्छा टेक्सचर आया। आप ऐसी रेसिपी को अपने घर पे इजीली बना सकते हैं। इसको रोजी सेंटर से कट करके दिखाएंगे आप। ये पूरी चिकन की पैटी बनके तैयार हुई है। देखो इसमें हमने सारे जितने इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो अच्छे से दिख रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऐसी और रेसिपीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और भी ऐसी ऐसी नई नई रेसिपीज लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू।